अच्छा बात है, आए हैं और सभा करेंगे, भाषण देंगे, हम लोग का नया रास्ता दिखाएंगे और चुनाव की तैयारी होगा। जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं सफल होगा बिहार में? हाँ हाँ बिल्कुल, इससे कुछ प्रभाव? अरे 101% सफल होगा, 101% ना सफल के क्या सवाल है, पूरा सफल होगा। अच्छा, 100 के 100। आप लोग बहुत पुराने नेता हैं, सिवान में एक विकास कहे जाने वाले दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का ये धरती है, अगर मतलब पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या उनके परिवार का कोई सदस्य? आज तक ऐसा हुआ है, आजादी मिला कितना दिन हो गया, आज भी विकास के बात हो रहा है, आज भी गरीबी के बात हो रहा है, तो ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी बहुत काम अधूरा है, सबको पूरा करना है, पूरा देश में करना है, भाजपा को भगाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो पूरा कहाँ हो गया, बहुत काम अधूरा है पूरा देश में। विधानसभा में नीतीश कुमार फिर आज नाराज हो गए मुर्दाबाद के नारा सुनकर? अरे तो 9 बार नाराज हो गए, फिर जाते हैं आते हैं, उनका अपना बात है, हम लोग का अपना बात है। लालू यादव कहते हैं रास्ता खुल गया है नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अरे तो रास्ता कोई बंद थोड़े है, कोई लोहा का गेट लगा है, आइए जाइए, ये आपका काम है, हम लोग का अपना काम है। स्वागत होगा नीतीश कुमार? हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत है, कहाँ हम लोग गाड़ी कहाँ दे रहे हैं, स्वागत है, कहाँ गाड़ी दे रहे हैं, हम लोग का अपना जो काम है महागठबंधन के काम है उसमें हम लोग लगे हुए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, एकदम सफल होगा, 101% महागठबंधन का जो प्रोग्राम है उसमें फेल होने का कोई बात नहीं है, सफल रहेगा। लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा में महागठबंधन जो फैसला करेगा उसको हम लोग लागू करेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसको हम लोग वोट देंगे, पूरा जोर लगाएंगे, पूरा मदद करेंगे, इसमें ना के क्या चल रहा है। अरे अभी महागठबंधन का जो फैसला होगा कि किसके हिस्सा में कौन सीट मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ना ना दावेदारी क्या है, महागठबंधन का जो फैसला होगा उसको हम लागू करेंगे।